नितिन सर, एक कंपनी है बटरफ्लाई गांधीमती, खबरें थी, ऑफिस शायद था और शायद कंप्लीट भी हो करके, और अब 1530 पे समय है, बड़ी तेजी के बाद बिल्कुल गिरावट भी हुई है, लेकिन बिल्कुल ओवरऑल बिल्कुल व्यू सर। कैसा? सर ये स्टॉक अभी कुछ समय और कंसोलिडेटेड रहेगा, बिकॉज इसके अंदर जो ब्रेकआउट इसने दिया था बहुत कंसोलिडेशन के बाद में, जून में इसने एक अच्छी गिरावट दी, फिर उसी समय में एक कप फॉर्मेशन किया था उसने, एंड उसके बाद से एक रैली दिया, बट वो रैली सस्टेन नहीं किया है, बिकॉज इसको जो सपोर्ट मिले हैं प्लैनेट्स के, वो सबसे एक्चुअली कॉन्ट्रा प्लैनेट जब सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, इसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर, वॉर ऑफ टग, तो वो चीज चल रहा है, रस्सी की खींचाई चल रही है, और ये कंसोलिडेशन फेज फिलहाल अभी अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेगा। सो अगर आप कंसोलिडेशन जोन में रह करके, हाँ ये मैं नहीं बोल रहा कहीं पे कि ये बहुत ऊपर उठेगा या बहुत नीचे गिरेगा, बहुत नीचे भी नहीं गिरने वाला है, बहुत ऊपर भी अभी नहीं जाने वाला है, अक्टूबर तक ये ऐसे ही कंसोलिडेट रहेगा। सो आप अगर अक्टूबर नवंबर 12-13 तक के टाइम पीरियड को अपने लाइफ से इसमें इन्वेस्ट करने के बाद हटा देना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज गिरावट नहीं है तो इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक के बाद से इसके अंदर जो मुझे तेजी दिख रही है वो तेजी मुझे ले जा रही है कहीं ना कहीं 1740 के तरफ में, ये कंसोलिडेट होता रहेगा। अभी फिलहाल 1600-1620 और नीचे में करीबन 1450-60 तक के अंदर में, तो इस पॉइंट में कंसोलिडेट करता रहेगा, बट नवंबर फर्स्ट वीक के बाद से इसके अंदर तेजी पकड़ेगी, तो फर्स्ट लैप नेक्स्ट 45 डेज के अंदर में ये कहीं ना कहीं 1700 के ऊपर में जाएगा। So, इस हिसाब से, इस स्ट्रेटेजी से आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी, ट्रेडिंग स्टॉक भी नहीं, कुछ वॉल्यूम नहीं है, हो सकता है आपने बाइंग के बाद सेलिंग लगाया, आपको सेलर कोई मिल नहीं रहा है, तो वॉल्यूम बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सो इसीलिए बिल्कुल आप इसमें इस स्ट्रेटेजी पर ही काम करें। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेजी, किस तरीके से बटरफ्लाई गांधीमती में काम कर सकते हैं।